Find the direction cosines of given system of relation where L plus M plus N is equal to 0 and 2LM plus 2NL plus minus MN is equal to 0. तो हमें पहली equation क्या given है? L plus M plus N is equal to 0. और दूसरी equation क्या है? 2 times of LM plus 2 times of NL minus MN is equal to 0. तो अगर जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको मैं एम एन एल से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 2 बाय एम एन प्लस 2 बाय एम माइनस 1 बाय एल इज इक्वल टू 0. तो यहां से एल 1 बाय एल की वैल्यू क्या गई, इसे सिंपलीफाई करूंगा अगर मैं तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एल इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन अपॉन एम एन. तो एल की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से एल इज इक्वल टू mn upon 2 times of m plus n. अब इस equation को क्या करता हूँ मैं यहाँ से, हमारे इस वाले relation को equation 1 में जो हमारा था पहला relation l plus m plus n is equal to 0, इसमें क्या करता हूँ मैं substitute कर देता हूँ. तो जैसे substitute करूँगा equation क्या हो जाएगी, equation हो जाएगी mn upon mn upon 2 times of m plus n plus m plus n is equal to 0. तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, ये जाएगी m n plus 2 times of m plus n का whole square is equal to 0. अपॉन में क्या है, 2 times of m plus n. अब अगर कोई से भी वैल्यू 0 है तो हमें पता है क्या होता है, इसका न्यूमरेटर ही 0 होता है, डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो डिफाइन ही नहीं होगा रेशियो. तो सिंपली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एम एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन का स्क्वायर 0 हो जाएगा. तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इक्वेशन आएगी 2 एम स्क्वायर प्लस 5 m n plus 2 n square is equal to 0. अब इसके फैक्टर मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसके फैक्टर्स करने के लिए मैं 5 mn को ब्रेक करूंगा किसमें, 4 mn plus mn में, और आ जाएगा प्लस 2 n square is equal to 0. तो यहाँ से 2 m मैंने कॉमन ले लिया, जैसे मैंने कॉमन लिया तो रिलेशन हो जाएगा m plus 2 n, और यहाँ से भी क्या जाएगा कॉमन लेते ही n कॉमन लेते जाएगा m plus 2 n is equal to 0. ठीक है, नाउ यहाँ से रिलेशन हो गया, यहाँ से हमारे पास में दो रिलेशन आएंगे, एक आएगा 2m plus n is equal to 0, और क्योंकि दो फैक्टर्स है तो दोनों में से कोई सा भी 0 हो सकता है, या फिर क्या आएगा m plus 2n is equal to 0. तो सिंपली m plus 2n is equal to 0. अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो अब मेरे पास पहले रिलेशन से क्या आएगा, पहले रिलेशन से वैल्यू आएगी कि n m is equal to माइनस ऑफ एन बाय टू, और यहां से क्या आएगा एम इज इक्वल टू माइनस टू एन, है ना, ये हमारे पास में दो रिलेशन आए. अब लेट से मैं पहले केस के लिए मतलब एक जनरल अब क्या है ऐसी केस बोलता हूँ. अब मुझे पता है एम क्या है, एम इज माइनस एन बाय टू है. अब हमारे पास में एक रिलेशन और क्या है, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, तो एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, है ना. तो एम क्या है, माइनस एन बाय टू, तो l माइनस एन बाय टू प्लस एन इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से l की वैल्यू क्या गई, l इज इक्वल टू अगेन माइनस एन बाय टू, माइनस एन बाय टू. सिमिलरली सेकंड केस में भी अगर होगा तो l प्लस एम प्लस एन क्या है, यहाँ भी जीरो है, l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो. तो l की वैल्यू क्या जाएगी, m की वैल्यू है माइनस टू एन प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, तो l की वैल्यू आ गई इक्वल टू n. ठीक है, नाउ अब हमें ये पता है ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो इनका जो सम है स्क्वायर का सम वो क्या है, इक्वल टू वन है. तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस एन बाई टू, तो जाएगा एन स्क्वायर बाई फोर. प्लस अगेन एम की वैल्यू भी क्या ही थी हमने निकाली थी, तो एम की वैल्यू भाई थी माइनस एन बाई टू, तो ये हो जाएगा कितना, एन स्क्वायर बाई फोर, और प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ से ये जाएगा सिक्स एन स्क्वायर बाई फोर, सिक्स एन स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन. तो एन की वैल्यू क्या गई, एन इज इक्वल टू टू बाय रूट टू बाय थ्री, तो यहाँ से जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बाय सिक्स, और आई कैन से टू बाय थ्री, तो एन की वैल्यू आ गई रूट टू बाय थ्री, एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू बाय थ्री. नाउ सिमिलरली अगर मैं देखूंगा तो ये तो क्या है, एल इज इक्वल टू एन है ना, इस वाले केस में. अगेन क्या होगा, यहाँ पे मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन अप्लाई करूंगा. नाउ एल की वैल्यू क्या है, एन की इक्वल है, तो एन स्क्वायर
प्लस एम की वैल्यू क्या है माइनस टू एन, तो जगह फोर एन स्क्वायर और एन की वैल्यू है ही सही सेम, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सिक्स, तो एन इज इक्वल टू वन बाय रूट सिक्स। अब एन की वैल्यू अगर वन बाय रूट सिक्स है तो एल की कितनी हो जाएगी, एल भी हो जाएगा कितना वन बाय रूट सिक्स। तो यहाँ से अगर मैं एल रेशियो एम रेशियो एन लिखता हूँ, ठीक है, तो एल क्या है, एल इज इक्वल टू वॉट एन, और एम क्या है माइनस टू एन है, तो ठीक है वैल्यू क्या जाएगी वन बाय रूट सिक्स कॉमा माइनस टू बाय रूट सिक्स कॉमा वन बाय रूट सिक्स। ये क्या है एक पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी एल रेशो एम रेशो एन की, तो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी एल रेशो एम रेशो एन इज इक्वल टू सी एन की वैल्यू क्या है इस केस में रूट टू बाय थ्री, तो रूट टू बाय थ्री। एम की वैल्यू क्या है अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एम की वैल्यू क्या थी हमारी, एम की वैल्यू माइनस ऑफ एन बाई टू, माइनस ऑफ एन बाई टू क्या जाएगा मतलब इसे टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाएगा वॉट माइनस वन बाय रूट सिक्स, माइनस वन बाय रूट सिक्स। और एल हमारा जो क्या है एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एल की वैल्यू माइनस एन बाई टू, तो सॉरी एल की वैल्यू माइनस एन बाई टू थी और एम की वैल्यू भी माइनस एन बाय टू थी, तो ये दोनों क्या है माइनस एन बाय टू इस वाले केस में, है ना, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाय रूट सिक्स। तो अगर हम देखेंगे तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट सिक्स, और इनका सम भी क्या है जीरो है और इनका सम भी जीरो है। सो हमारे आंसर है क्या, हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल है जो हमारी गिवन एलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आंसर इज दिस।